ऑल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने किया ड्राफ्ट तैयार। ऋषिकेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया केंद्रीय नर्सरी का निरीक्षण। हरियाणा के संयुक्त निर्देशक बने गंगा नदी में अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। बाशपुर में एक युवक को 1 किलो 400 ग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार। जैंडा की देवी जतारा ने किया राम गंगा स्नान के लिए प्रस्थान। जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था लॉन्च, उसी क्षेत्र में बनाया जाएगा ग्लोबल टाइगर डे। डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नई शिक्षा दो के नारे के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। वही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को सियासी पैतरा और भाजपा का एजेंडा बता रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही करना चाहती है, अपनी मर्जी से कानून थोपना चाहती है, लोगों की राय नहीं ले रही है, लोग विपक्षी दलों के साथ बैठ नहीं रही है, सबके साथ बातचीत करने के बाद इसमें जो भी निर्णय लेना है वो साथ सारे राजनीतिक दलों से सामाजिक संगठनों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम और है क्या? आज उनके पास मुद्दा क्या है? आज जो भी भारतीय जनता पार्टी की हमारे माननीय मोदी जी की सरकार या यूं कहिए कि भारत की हमारी लोकप्रिय सरकार जो भी निर्णय लेती है, आज आप बताइए कौन सा निर्णय ऐसा लिया हो हमने जिसका उन्होंने विरोध ना किया हो? अब ये लोग आयुष्मान योजना तक का तो विरोध कर रहे हैं। जो हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री में दिए, कनेक्शन फ्री में दिए, उसका लोग तो उस तक का तो विरोध कर रहे हैं। यानी कि लाभार्थी को लाभ न मिले, आज 80 करोड़ लोगों को सीधा सीधा राशन हमारी सरकार के द्वारा दे रहा, उसके बारे में भी ये टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये तो हर बात पे टिप्पणी करना इनकी एक आदत सी बन गई है, विरोध करना इनकी आदत सी बन गई है। और इनके विरोध से देखिए जनता भी समझ चुकी है, खाली विरोध के लिए विरोध इनका करना, इनको अपनी औपचारिकता निभानी निभाए, लेकिन हमारी सरकार निश्चित रूप से जनता के लिए, और हमने तो उस मंत्र के साथ भी काम किया है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, उसके लिए हमने पूरे महीने भर काम भी किया है, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश भर में घूम घूम के महासंपर्क अभियान किया, हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में निकला है, लाभार्थियों से बात की है, विशेष जनों का सम्मान किया है, बड़ी बड़ी रैलियां की है, हर घर में हर गली में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में झंडा लगाया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया, जनता के बीच में गए। ये लोग तो अभी इसके विरोध तक सीमित है, हम लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि आज जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को भी स्वीकार कर रही है, हमारे किए गए काम को भी स्वीकार कर रही है। देखिए, मैं तो कह ही रही हूँ ना, मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैं उसको अच्छे से समझती हूँ। हमारा देश बहुत बड़ा है, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत से धर्मों के लोग, जात पात के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा कानून देश की भलाई के लिए है, देश की अच्छाई के लिए है, देश में जितने लोग रहते हैं उनकी अच्छाई के लिए है, और मुझे लगता है कि यूसीसी कानून आना चाहिए। ऋषिकेश स्थित केंद्रीय नर्सरी में निरीक्षण के लिए पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नर्सरी में मौजूद लगभग 63 से अधिक प्रजातियों की पौधा निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने नर्सरी परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपते हुए केंद्रीय नर्सरी का नाम चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट रखने की घोषणा की है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। केंद्रीय नर्सरी में आया हूँ जिसमें आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है, और जिसमें आज कुछ सकलाना भिंड के लिए भी कुछ पौधा आज भेजी गई है, और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो, क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का लक्ष्य है।
पूरे प्रदेश की सभी डिविजन्स में, और जिसमें से केवल भागीरथी सर्किल में जो 6 डिविजन्स हैं इसमें 38 लाख के आसपास हम लोगों को पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया। विभाग में सर्वोरत और चंडीगढ़ विभाग संयुक्त निदेशक जगराज डांडी अपनी पत्नी नीता व बेटी के साथ बीते गुरुवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। आपको बता दें कि अलकनंदा व भागीरथी के संगम तट पर स्नान करते हुए एक पत्थर पर डांगी ने जैसे ही पैर रखा तो उनका पैर फिसल गया और वह गंगा के तेज बहाव में बह गए। जहादेव प्रयाग संगम पर पैर फिसलने से हरियाणा के कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक गंगा में बह गए। वही रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई भी पता अभी तक नहीं लग पाया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बाजपुर में पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी के चलते बाजपुर पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को 1 किलो 400 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के नेतृत्व में लगातार अवैध गतिविधियों में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी बाजपुर पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एक नगिन नाम का व्यक्ति है जो मूलतः स्वार क्षेत्र का रहने वाला है। ये कल बैरिया चौकी की तरफ से ये अपने अल्टो कार से वहां आ रहा था और उसी समय हमारी पुलिस के द्वारा इस तरह के संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तो जब इसको रोका गया तो रोकते समय फिर इसकी जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से लगभग 1 किलो 4 ग्राम के करीब में अफीम मिली है। इस व्यक्ति का नरेंद्र नाम है, ये 28 वर्ष का युवक है। इसके आपराधिक इतिहास की हमारे द्वारा जानकारी मंगाई जा रही है। चूंकि नशा आज के समय में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या हो रखी है, इसमें जो इसकी सप्लाई साइड है लगातार पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चूंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है लगातार वो इसमें कहीं ना कहीं एडिक्ट होती है जा रहे हैं और इस तरह से समाज भी कमजोर हो रहा है और जिस दलदल में हमारे युवा भी जा रहे हैं, इसलिए मैं लोगों से भी भाजपुर की सामान्य जनता से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके आसपास या मोहल्ले में कहीं भी अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो कि अवैध गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी पुलिस को सूचना दीजिए। हम नाम पता आपका गोपनीय रखेंगे और इसके अतिरिक्त युवाओं से बात करने की जरूरत है क्योंकि समाज विरोधी देश विरोधी लोग भी इस नशे के कारोबार में संलिप्त हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। तो समाज को भी इसमें आकर के और हमारे युवाओं से लगातार जिससे कि इसकी जो डिमांड साइड है लगातार जो नशे के चाहे वो मौज मस्ती के लिए चाहे अवसाद से निकलने के लिए या अन्य कारणों से यारी दोस्ती में जो लड़के इसमें कहीं ना कहीं एडिक्ट हो रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि समाज के भी लोग बच्चों से संवाद करें और इसके दुष्परिणामों के बारे में भी चर्चा किया जाए। अल्मोड़ा के भिकिया शहर में माँ दुर्गा देवी समिति पैदल यात्रा का रामगंगा स्नान के लिए प्रस्थान किया गया है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा समिति द्वारा जयंता की देवी का 11 दिवसीय पूजन कर भिकिया शहर होते हुए रामगंगा के प्रस्थान किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही इस दौरान कुमाऊं रीति रिवाजों के साथ सैकड़ों ने रामगंगा में देवी देवताओं को स्नान कराया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। Chalota, oh.
हर वर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया था, जिसमें बाघों वाले 13 से ज्यादा देश शामिल थे। वहीं इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा, जिसमें देश के टाइगर रिजर्वों से अधिकारी व बाघों के संरक्षण में जुटे कई लोग शामिल होंगे। संवाददाता कैलाशी अल की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल टाइगर डे जुलाई के महीने में 29 जुलाई को मनाया जाता है, और ग्लोबल टाइगर डे इस वर्ष रामनगर में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तर से इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें सभी टाइगर रिजर्व्स के फील्ड डायरेक्टर्स, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स और अन्य उच्चाधिकारी इसमें प्रतिभाग करेंगे, और उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशनिस्ट भी इस कार्यशाला में आएंगे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहेगा। एक बहुत खुशी की बात है कि जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उस क्षेत्र को इस ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशंस के लिए चयनित किया गया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा इवेंट यहाँ पर ग्लोबल टाइगर डे के दौरान हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर्पण नमकीन। हल्द्वानी पहुँचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बहुउद्देश्य भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देश्य भवन का निरीक्षण करते हुए कुमार क्षेत्र के सीओ ऑपरेशन के साथ बैठक करते हुए अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर फ्रॉड और नशे पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिल कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्योंकि जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है, और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस्ड करने लगेंगे आने वाले समय में, जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुंच जाता है। रोंग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं, उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितने काम हो रहे हैं, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, SOG के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है, और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। तो कहीं पे अच्छा काम हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने एक महीने बाद IG कुमाऊं को इनकी पुनः समीक्षा करने के डायरेक्शन दिए हैं, और कई जगह पे टीमें अच्छा नहीं काम कर रही तो उन टीमों के पुनर्गठन के भी निर्देश दिए। एक शानदार पहला आपने किए, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, नैनीताल जिले में भी बड़ा अच्छा काम हुआ है, कई बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिला, आगे भी किस तरह से चलेगा था, आज आपने इसका सेमिनार भी यहाँ पर किया। देखिए, हमारा पर्पज यही है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति में हैं या बाल श्रम में हैं, उनको उससे मुक्ति दिलाई जाए, इसलिए ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया है, और इसलिए हमने स्लोगन दिया है, नारा दिया है कि बच्चों को भिक्षा नहीं दो बल्कि शिक्षा दो, और उसके तहत पूरी उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 3550 बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया है, और उसी वही हमारा प्रयास रहेगा कि ये बच्चे आगे भी पढ़ाई में कंटिन्यू करें, ड्रॉप आउट ना हो। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।